हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत करते हैं हम हमारे चैनल में और इस वीडियो में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जन्माष्टमी आने वाली है, तो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम हर साल आपके लिए जन्माष्टमी के नए नए डेकोरेशन आइडियाज़ लेके आते हैं। इस बार भी हमने झूले को बहुत अलग और यूनिक तरीके से डेकोरेट किया है। जैसे कि आप जानते हैं जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, इसी दिन श्री कृष्ण भगवान रात्रि में आए थे इस धरती पर, तो इसीलिए हम जन्माष्टमी मनाते हैं। देखिए, हमने इस तरीके से पूरा ट्राइपॉड के हेल्प से ये फ्लावर्स वगैरह डेकोरेशन किया है। देखिए किस तरीके से हमने डेकोरेशन किया है इसका, बहुत ही अच्छे से पूरे कृष्ण भगवान का पालना भी बनाया गया है। और इस बार जैसे लास्ट ईयर हमने अलग से दूसरा पालना बनाया था, उसमें था कि जब वासुदेव जी कृष्ण भगवान को लेके जा रहे थे यशोदा मैया के पास छोड़ने के लिए, तब उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो वही दृश्य उसमें हमने फिल्माया है, तो उसी दृश्य से इंस्पायर होकर हमने पिछली वीडियो बनाई थी। तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो भी जाके ज़रूर देखिएगा। और इसमें देखिए आपको माखन चोर नंदलाला का एक नया ही रूप देखने को मिलेगा इस वीडियो में। देखिए किस तरीके से पालने में कृष्ण भगवान है। इनकी हमने ज्वेलरी भी जो है हाथों से बनाई है, कपड़े हाथों से बनाया है, मुकुट हाथों से बनाया है, और जो दही हांडी की मटकी होती है वो भी हमने हाथों से बनाई है, क्योंकि माखन चोर जो है माखन के बिना अधूरे हैं, उन्हें बहुत पसंद होता है माखन खाना। इस तरीके से देखिए हमने साइड से पूरी लेयर्स गई है, पूरी माला दी। हमारे पास आपके पास जो भी डेकोरेशन का सामान अवेलेबल है हो, आप उससे उसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दिवाली पे तो बहुत सारे लोग डेकोरेशन का सामान लेते ही हैं, तो उस सामान का यूज़ भी आप कर सकते हैं इसमें। और अगर आपके पास नहीं हो तो आप मार्केट से भी जो आपको लग रहा है डेकोरेशन का वो ला सकते हैं। इस तरीके से देखिए हमने फ्लावर्स वगैरह बनाए हैं और दही हांडी। देखिए इनका मोर पंख भी कितना अच्छा हो रहा है। इसकी जो हमने पूरा एक टोकरी की हेल्प से हमने पूरा बनाया है, इसमें लेस का यूज़ किया गया है, लेस का वर्क किया है, और प्लास्टिक की जो डब्बी होती है, मतलब एक डब्बा, उसका हमने यूज़ करके उस पर पूरा रैप करके उसको गिफ्ट पेपर से, और हमने उसको यूज़ किया है। देखिए इस तरीके से हमने इसकी डोरी भी बनाई है, इसको धीरे धीरे हम हिलाएंगे तो कृष्ण भगवान को हम झूला दे सकते हैं। इस तरीके से जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कृष्ण भगवान को आप भेंट स्वरूप उनका फेवरेट पालना बनाकर और दे सकते हैं गिफ्ट में, और कपड़े भी दे सकते हैं। जैसे हमने कपड़े भी बनाए हैं कृष्ण भगवान के, आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं कृष्ण भगवान। और इसी तरह ये हांडी जो हमने रखी है दही की, वो थोड़ी अंदर की साइड मुँह करके रखी है ताकि वो उससे निकाल कर खा सके माखन, और उन्हें कोई परेशानी ना हो। और इसमें हमने जो है हमारा जो टेडी बियर है ना, उसका वाइट रुई से हमने ये मटकी में दही बनाया है, दही का टच दिया हुआ है इसमें माखन और दही का। तो माखन मिश्री की आप इस तरीके से हांडी बना सकते हैं। कलश हमारे पास छोटा सा अवेलेबल था तो हमने उसी में ये सब करा है। देखिए आपको हम हमेशा यही बताते हैं कि आपके पास जो भी सामान अवेलेबल हो आप उससे ही उसका यूज़ करके ही आप डेकोरेशन कर सकते हैं, ताकि आपके पैसे वेस्ट ना हो, पैसे खर्च ना करना पड़े आपको, और आपका काम भी हो जाए, और कृष्ण भगवान का जो जन्मोत्सव है वो आप अच्छे से और धूमधाम से मना सके। तो माखन चोर नंद लाला का ये जो रूप है, ये वीडियो है, ये आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से जन्माष्टमी सेलिब्रेट कीजिएगा, और झूला आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है, आप किसी भी चीज़ से झूला बना के बांध सकते हैं और डेकोरेशन भी कर सकते हैं। आप देखिए इसमें हमने मोतियों का भी वर्क किया हुआ है, तो इस तरीके से, और यहाँ पे बीच में हमने ये लगाया है जैसे बच्चों के उस पर घंटी लगाई जाती है ना, उसी तरीके से हमने ये भी लगाया है ताकि भगवान का भी मनोरंजन होते रहे। तो इसी तरीके से आप सभी डेकोरेशन
कर सकते हैं। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरीके से आप जन्माष्टमी मनाइए और कृष्ण भगवान की तरह खाते पीते रहिए और अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। जय गोविंदा, जय गोपाला।